राउंड टेबल इंडिया सामाजिक संस्था द्वारा एफटीआई स्कूल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों के पढ़ने के लिए दो कक्ष का निर्माण विजयनगर स्थित मुफीदयाम इंटर कॉलेज में करवाया गया है। स्कूल में व्यवस्था खराब होने से पढ़ाई में बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी। राउंड टेबल इंडिया सामाजिक संस्था द्वारा एफटीई स्कूल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों के पढ़ने हेतु दो कक्ष का निर्माण विजयनगर स्थित मुफीद ए आलम इंटर कॉलेज में करवाया गया है। शुक्रवार को संस्था द्वारा आगामी सत्र हेतु दोनों कक्ष प्रदान किए गए। आज मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूँगा आगरा की टेबल्स को, जिन्होंने डॉक्टर देवशीष सरकार, जो कि आगरा के टेबल के चेयरमैन हैं, उनके अंडर ये दो क्लासरूम का निर्माण कराया है। हम लोग इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं साल भर करते रहते हैं, और पिछले 10 सालों के औसत अगर देखा जाए तो हम लोग करीब करीब 1.5 से 2 क्लासरूम डेली बना रहे हैं, जिसका मतलब साल के हम लोग लगभग 750 क्लासरूम्स बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया फॉर अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। उद्घाटन एरिया चेयरमैन अभिनव ब्रिज द्वारा फीता काट कर और विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार के अनुसार राउंड टेबल संस्था द्वारा निरंतर जनहित के कार्य किए जाते हैं। आज हमने यहाँ दो क्लासरूम का निर्माण किया है, मुफीदयाम इंटर कॉलेज जो है, और साथ ही में वाह आगरा, जो कि वॉर अगेंस्ट हंगर एक इनिशिएटिव है। आगरा की 3 टेबल्स हैं उनका, जिससे कि 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को हम मील्स सर्व कर चुके हैं। और ये भगवान टॉकीज में ये सक्षम डावर फाउंडेशन के साथ मिलके इस इनिशिएटिव को हमने लिया है। तो ये दो मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो राउंड टेबल के चल रहे हैं। मुफीद ए आलम इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों की सुविधा हेतु दो कक्ष का निर्माण करवाया गया है, जिन्हें आगामी सत्र के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने अन्य जनहित के कार्यों की जानकारी देते हुए आगामी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान वाइस चेयरमैन गौरव बंसल, सेक्रेटरी कन्हैया गोयल, ट्रेजर अनंत अग्रवाल, अनुज खंडेलवाल, प्रकुल, राहुल कुंद्रा, आयुष अग्रवाल की उपस्थिति सराहनीय रही। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।